Assalamu alaikum. I welcome you all to Javed Publisher. We are studying Kids Science Grade 5, Chapter Number 5, and the topic is Physical and Chemical Changes of Matter. In this video, we are going to discuss another topic, that is dissolving substances in water. This is page number 41. Let's move towards the reading of this topic. Activity 5.1, this is page number 41. Stand in the front of a mirror and take a deep breath. Exhale the hot breath on the mirror. What do you see? It looks hazy. क्या है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, आपने सांस लिया, उसके बाद अगर गर्म सांस आप बाहर निकालते हो, तो वो आपने देखा है कि वो मिरर पे वो थोड़ा सा ऐसा वो आ जाता है, धुंध टाइप सा कुछ आ जाता है. तो वो क्या है कि वो एक चेंज है. द डीप ब्रेथ दैट यू एक्सहेल इज़ वार्म एंड कंटेन्स वाटर वेपर्स. व्हेन द वाटर वेपर्स हिट्स द कोल्ड सर्फेस ऑफ द मीडियम, इट कंडेंसेस टू फॉर्म स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. हुआ क्या कि जब आपने एक्सहेल किया तो उसमें वाटर वेपर्स थे. जब वाटर वेपर्स कोल्ड सर्फेस के साथ मिले तो वो क्या हुआ, उसने कंडेंस कर दिया स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में. स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो गए. दिस इज़ हाउ वी लुक ऑन द चेंजेस, हाउ कंडेंसेशन हैपन्स. इस एक्टिविटी से हमें बहुत अच्छे से पता चल गया. Dissolving substances in water, page number 41. Many substances can dissolve in water. When you mix a teaspoon of sugar in a glass of water, the sugar dissolves in it. It is because the molecules of sugar fills the empty spaces in the molecules of water. Kya hai dissolving of water ki agar hum log baat karein, तो आप सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो यही है कि हम पानी में शुगर ऐड करते हैं. उससे होता क्या है, तो जो पानी में स्पेसेस प्रेजेंट हैं उसके मॉलिक्यूल्स में, लिक्विड में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं मॉलिक्यूल. अब जब हम उसमें शुगर ऐड करेंगे तो शुगर जो है उन स्पेसेस को फिल अप कर देगी और उससे क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा. दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन. The substance that dissolve is called a solute. जो substance उसमें mix किया जा रहा है, जैसे sugar mix की जा रही है, salt mix किया जा रहा है, या कोई another syrup mix किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, वो solute होगा. और वो substance जिसमें solute dissolve हो रहा है उसको हम solvent कहेंगे, जो कि water है. Solute and solvent together make a solution. In the above example, sugar is the solute, water is the solvent, and sweet water formed is the solution. क्या था, sugar जो थी वो solute थी, पानी में हल हुई, पानी क्या था, सॉल्वेंट था. अब जब उसने मिलके शुगर सॉल्यूशन बना दिया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ने, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको सॉल्यूशन का नाम दे देंगे. शुगर प्लस वाटर स्वीट वाटर, ये आप देख रहे हैं इक्वेशन की फॉर्म में. द रेट ऑफ डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन वाटर इज इंक्रीज बाय द फॉलोइंग वेज. अब किन तरीकों से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं कि डिसॉल्विंग जो पावर है वो इंक्रीज हो जाए, डिसॉल्विंग सब्सटेंस जो है वो तेज़ी से हल हो जाए पानी में. आए पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं. नंबर वन इज स्टेरिंग. The solute is dissolved more on stirring. आपने देखा होगा कि जब आप चम्मच हिलाते हो, ग्लास में आपने शुगर डाली है तो चम्मच हिलाते हो, तो इसको हम स्टिरिंग का प्रोसेस कहते हैं. इससे भी क्या होता है कि तेज़ी से वो शुगर जो है उसमें डिसॉल्व हो जाती है. पेज नंबर 42 पे एक्टिविटी नंबर 5.2 है. मटेरियल्स हमें क्या क्या चाहिए, दो बीकर्स चाहिए, ग्लास चाहिए, हमें ग्लासेस चाहिए, दो सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए और ग्लास रॉड चाहिए. प्रोसीजर क्या है, टेक टू बीकर्स और ग्लास, या बीकर ले लो या ग्लास ले लो, मेक दम एज ए एंड बी. नाउ पुट अ स्पून of salt in both the beakers, then pour a cup of water in both the beakers. सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने उसमें salt डाला as a solute, फिर उन दोनों beakers में हमने A और B में हमने पानी add कर दिया as a solvent. Stir salt in beaker, जब हम उसको हिलाएंगे, stirring करेंगे, तो क्या होगा, उसमें डिसॉल्विंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आनी शुरू हो जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा. एक में हमने स्टिरिंग करनी है, दूसरे में स्टिरिंग नहीं करनी. उसके बाद हम देखेंगे मोर सॉल्ट इज़ डिसॉल्व्ड इन बीकर ए. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बीकर ए में हमने स्टिरिंग की थी, हमने उसको हिलाया था, जिसकी वजह से जो है वो जल्दी से उसने डिसॉल्व कर लिया सॉल्ट को. बीकर बी में हमने नहीं हिलाया था, तो वहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन जो है एज़ कम्पेयर टू बीकर ए, बीकर ए में सॉल्यूट ज़्यादा डिसॉल्व हुआ होगा एज़ कम्पेयर टू बीकर बी. इंक्रीजिंग टेम्परेचर, व्हेन द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर सॉल्ट इज़ डिसॉल्व. आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि अगर एक तरफ आपके पास ठंडा पानी है और दूसरी तरफ आपके पास गर्म पानी है, आपने बॉयल किया हुआ है, तो सॉल्यूट जो है वो बॉयलिंग वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व होगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर. अब ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू और ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड करेंगे. 5.3 एक्टिविटी है, पेज नंबर 42 पे. मटीरियल रिक्वायर्ड, वही मटीरियल्स, टू बीकर्स और ग्लासेस, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्पून, शुगर एंड कप. प्रोसीजर क्या है, टेक टू बीकर्स और ग्लासेस एंड मार्क दम ए एंड बी.
पोर वन कप ऑफ कोल्ड वाटर इन बीकर ए, पोर वन कप ऑफ हॉट वाटर इन बीकर बी. आपने एक में ठंडा पानी ले लिया, एक में गर्म पानी ले लिया, और क्या किया, पुट अ टी और टेबल स्पून ऑफ शुगर इन बीकर ए एंड बीकर बी. दोनों में आपने एक एक स्पून जो है वो शुगर का ऐड कर दिया. अब ऑब्जर्वेशन क्या है, मेक मोर शुगर इज डिजॉल्व इन बीकर बी. वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, बी में ज़्यादा शुगर क्यों डिजॉल्व हुई, क्योंकि बी में गर्म पानी था, बॉयल्ड वाटर था. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिजॉल्विंग कैपेबिलिटी भी जो है सोल्यूट की वो इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से बीकर बी में ज्यादा सोल्यूट डिजॉल्व हुआ है. कीप वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारी बोलती किताबों के साथ.